बड़ी खबर चेर्निहिव में रूस की एयरफोर्स ने बम गिराए हैं। रूसी वायुसेना के हमले में पूरी बिल्डिंग एक तबाह हो गई। चेर्निहिव में रूसी हमले में यूक्रेन को एक बड़ा नुकसान हुआ है। चेर्निहिव जो कि लग रहा था कि रूसी कब्जे में है, लेकिन अगर वाकई में ये रूसी कब्जे में है तो फिर अभी भी ये अलग अलग पॉकेट्स में इस तरीके से बम क्यों गिराए जा रहे हैं? क्योंकि अब जो जहां बम गिराया गया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल इमारत नजर आ रही है। बड़ा नुकसान हुआ है, यूक्रेन का ये कहना है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तबाही का आज 9वां दिन है। युद्ध को चलते हुए आज 9 दिन बीत गए हैं। दो दौर की बातचीत हो गई है। कितनी सहमति बन पाई है? जंग के माहौल में कितनी राहत मिल पाएगी? एक बड़ा सवाल है। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो गई है। खार्किव की कई इमारतों पर जबरदस्त बमबारी की गई है और खार्किव की रिहायशी बिल्डिंग पर बताया जा रहा है कि मिसाइल दागे गए हैं। बिल्डिंग में धमाके की हम सीसीटीवी तस्वीर भी आपको दिखाने जा रहे हैं और आप देखिए किस तरह से यहां पर धमाके किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर खार्किव को अगर देखें तो उसके करीब करीब बताया जा रहा है कि 55 से 60% इलाके में इस वक्त, वो भी जो खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहां पर रूसी सेना ने बड़ी तरह पर कब्जा कर लिया है। अब जो बाकी बचा हुआ इलाका है, यानी कि करीब हम कह सकते हैं 30-40% का जो इलाका है, उस पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। वहां से रेजिस्टेंस आ रहा है जिसको अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि जो खार्किव आपको बता दें नॉर्थ ईस्ट की तरफ से रूसी सेना वहां पर दाखिल हुई थी, जिसके बाद से इस शहर को उन्होंने अपने कब्जे में लेना शुरू किया है। उसका जो सदर्न हिस्सा यानी कि साउथ या साउथ वेस्ट का जो हिस्सा है, उस जगह पर फिलहाल कोई भी हम कह सकते हैं कि रूसी सेना ने कोई हमला नहीं किया है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ है खार्किव के मेन जो सेंटर है उसका वो अपने कब्जे में लेना है। बिल्कुल, खार्किव में जगह जगह रूसी हमले के निशान दिखाई दे रहे हैं। कई इमारतें तबाह हुई हैं और लोगों की जानें गई हैं। रूसी आर्मी ने पूरे खार्किव पर हमला किया है। एक ऐसी ही रेजिडेंशियल इमारत आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक जगह पर पूरी तरीके से इमारत ध्वस्त हो गई है, मलबा नीचे बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस को वैसे तो निशाना बनाया नहीं जाता, लेकिन अगर ये किया जा रहा है तो इसके पीछे दो कारण समझ में आते हैं। पहला तो ये कि हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस हो रहा हो या कुछ ऐसे इलाके तैयार किए गए हों जहाँ से रेजिस्टेंस दिया जा रहा हो, एक ये कारण हो सकता है, या फिर ये एक मिसगाइडेड अटैक भी हो सकता है। निशाना से चूक गया। लेकिन यूक्रेन के मारियोपोल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा अटैक हुआ है। मारियोपोल में बिल्डिंग को गिराया गया है रूसी हमले में। और मारियोपोल आपको बता दें दोनेस्क का शहर है। दोनेस्क जो प्रांत जो कि रूस ने स्वतंत्र घोषित कर दिया, वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बार इसको देखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं ये इलाका क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जहां पर हमला किया जा रहा है, रॉकेट हमला है, वहां पर पहले से आग जल रही थी। यानी कि एक टारगेटेड ये अटैक था, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, कई सारे यहां पर मिसाइल या फिर रॉकेट गिराए गए हैं। मारियोपोल शहर ये भी लगभग रूस के कब्जे में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर दोनों तरफ से रूसी सेना और दोनेस्क की सेना पहुंच चुकी है। ये दोनेस्क का शहर है, बिल्कुल समुद्र के किनारे है, बड़ा नेवल बेस हुआ करता था, जिसे अब पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि खत्म कर दिया है रूस ने। अब इस शहर पर जब कब्जा हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो दोनेस्क और साथ ही साथ साउथ की अगर बात करते हैं यूक्रेन के सी ऑफ एजोव के पास, पूरा ये रशिया के कब्जे में आ जाएगा, चाहे वो मारियोपोल हो, इसके बाद जो बड़ा शहर पड़ता है साउथ में वो मल्टीपोल पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर उससे पहले रूस की सेना पहुंच चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।